ये है चाइनीज़ पकौड़े। मैंने दो तरीके से बनाए हैं, एक तो सादा बनाए हैं जो आप सॉस से खा सकते हैं, और ये स्ट्रीट स्टाइल है जिसे बाहर आप मार्केट में जाते हैं आपको किस तरह से मिलता है ये उस तरह से बनाए हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। चाइनीज़ पकौड़ा बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी ली थी जिसे बारीक काट लिया है। अब इसमें हम एक कप मैदा डालेंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें, इसमें मैदा ज़्यादा ही रहती है, कॉर्नफ्लावर बहुत कम जाता है इसमें। 1 टीस्पून इसमें फूड कलर हम डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, 1 टीस्पून इसमें वाइट विनेगर जाएगा। इसमें लोग अजीनोमोटो भी डालते हैं, अगर आपको डालना है तो डालें, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इन सबको हम थोड़ा से पानी डालकर मिला लेंगे, पानी इसमें बहुत कम जाएगा, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डालें आप बस, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। पानी हम इसमें इसीलिए कम डालते हैं क्योंकि पत्ता गोभी भी अपना पानी छोड़ेगा। इसको सबको मिला के हमें 2 घंटे रखना है, तो 2 घंटे में अच्छा खासा इसमें से पानी छूट जाता है, इसलिए हम पानी इसमें कम ही डालेंगे। हमने ये सब अच्छे से मिला लिया है, मुझे इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून के करीब पानी और डाला था। अब ये सब इन सबको हमें 2 घंटे के लिए रख देना है, 2 घंटे बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मिक्सचर को रखे हुए दो घंटे हो गए, अब हम पकौड़े बनाते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने रख दिया है, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे, एक एक करके हमें सारे पकौड़े इसमें डाल देंगे। हम इसे फौरन नहीं पलटेंगे, 2 मिनट बाद हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। अभी हम ऐसे ही इसको फ्राई होने देते हैं, और ये मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सबकी साइड हमें चेंज कर लेनी है। अगर ये आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं डालने में, तो वो अगर हम चम्मच से इस तरह से करेंगे तो वो अलग भी हो जाती हैं आसानी से। और इसे हमें फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। चाइनीज़ पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम चाइनीज़ पकौड़ा फ्राई करेंगे। हम एक एक करके सारे कढ़ाई में डाल देंगे। चाइनीज़ पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हम सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे चाइनीज़ पकौड़े फ्राई हो गए हैं, मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा चाइनीज़ पकौड़ा बन के तैयार है। मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल कैसे सर्व करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बाउल में हमने ये पकौड़े डाल दिए हैं, अब इसमें हम 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप जाएगा, थोड़ी सी पत्ता गोभी जाएगी, और थोड़े से फ्राइड नूडल्स जाएंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। आप मार्केट में जाएंगे आपको इसी तरह से मिलता है ये, और बहुत ही मज़े का होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से हम थोड़े फ्राइड नूडल्स और डाल देंगे।
हमारे चाइनीज़ पकोड़े बनके तैयार हैं। ये हमने सादा रखे हैं जो आप सॉस से खा सकते हैं, और ये आपको स्ट्रीट स्टाइल बताया है हमने। आपको जो भी पसंद हो आप ऐसे बनाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।